मैं इंतहाई मशकूर हूँ आज की इस नशस्त के हवाले से, जिसमें खुदकुशी के हवाले से एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँ, खुदकुशी क्या है? किसी शख्स का अपने आप को कस्तन और गैर कुदरती तरीके से हलाक करने का अमल खुदकुशी कहलाता है। और ख़ुदकुशी के बारे में इस्लामी नुक्ते नज़र, जो कि कुरान करीम का इरशाद है, वला तक्तुलू बिअय्दीकुम इला तहलुक व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, और खर्च करो अल्लाह के राह में और ना डालो अपने जान को हलाकत में, और नेकी करो, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है नेकी करने वालों को। इसके अलावा भी कुरान करीम की एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा, और अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाक मत करो, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है। तो इन दोनों आयत करीमा से मालूम यही होता है कि इंसान को अपनी जान को मारना नहीं चाहिए। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने जो जिस्म, जो बॉडी हमें इनायत फरमाई है, ये अमानत है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जिस तरह इंसान दुनिया में किसी अमानत को ज़ाय करने से घबराता है, खियानत समझता है, इसी तरह ये इंसानी जिस्म और इंसानी बॉडी जो है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, इस अमानत को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है, उसमें भी सराहत के साथ खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। एक हदीस मुबारका है जिसको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोहे के किसी हथियार से खुदकशी कर ली तो उसका हथियार उसके हाथ में होगा, और जहन्नम की आग में हमेशा के लिए उसे अपने पेट में मारता रहेगा, और जिसने जहर पीकर खुदकशी कर ली और तो वो जहर उसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में वो उसी तरह हमेशा हमेशा पीता रहेगा, और जिसने पहाड़ से अपने आप को गिराकर खुदकशी की तो वो जहन्नम की आग में होगा और उसमें हमेशा रहेगा। इन आयत कुरानिया और अहादीस मुबारक की रोशनी में शरीयत इस्लामिया में खुदकशी एक हराम और कबीह अमल करार दिया गया है। अब जाहिर बात है इसके असबाब और मुहरिकात भी होंगे, मेन जुमला इनमें बीमारी है, मजबूरी है, माशी मुश्किलात हैं, रिश्तों का की नाचाकी और इख्तलाफात है, दुनियावी तनाफुस और एहसास कमतरी भी है, और इसके अलावा बुलंद तवक्कुआत हैं, और साथ साथ नाम नहात इश्क और मोहब्बत है, मादियत परस्ती है, तवक्कुल का फुकदान है, तालीमात दीनिया से दूरी है, और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो अदम सरपरस्ती है। अदम सरपरस्ती की वजह से हमारे नए नस्ल, नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस मकरूह फेल का इर्तिकाब कर बैठते हैं। तदारु के हवाले से मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ कि सब्र और शुक्र होना चाहिए। मुश्किलात हो, परेशानी हो, तो अल्लाह ताला से हर वक्त सब्र मांगना चाहिए। और इसके अलावा तसव्वुर आखिरत, आजकल मादियत का दौर है, सब के सब यही समझते हैं कि यही दुनिया है, यहाँ सब कुछ होना है, एक किस्म की एहसास महरूमी या एहसास कमतरी समझे। अगर आखिरत का फिक्र बंदा अपने अंदर पैदा करें, इंशाल्लाह ये दुनिया तो है ना, ये जन्नत नहीं है कि हर एक को यहाँ पे 100% खुशियाँ मिले, कामयाबियाँ मिले, कुछ मतलब कि कमज़ोरियाँ भी होते हैं, कुछ परेशानियाँ भी होते हैं। इसी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ये भी है कि अपने से कम लोगों को देखा करें, अब जैसे ऊपर के लोगों को मत देखें। ऊपर लोगों को अगर आप देख लें, अगर आप वहाँ तक ना पहुँच सके
तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने से नीचे लोगों को देखें, देखिए एक बंदा है जिसके पास साइकिल है और एक बंदा है उसके पास साइकिल भी नहीं है, और आप अपने आप को तसल्ली दें कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जायदादें हैं, जमीन है, घर है। एक बंदा ऐसा है जो साइल है, फकीर है, खवातीन में भी है, बच्चियों में भी है, बच्चों में भी है, सवाल करते करके इधर उधर फेरते हैं, तो उनको देखकर बंदे के अंदर शुक्र और सब्र का मादा पैदा होता है। खुदकुशी की एक और जो बहुत बड़ी वजह यह है कि मजहब से दूरी है। दुनिया में जितने भी मजाहब हैं उन मजाहब में खुदकुशी कहीं भी जायज़ नहीं है। अगर बंदा बेशक उनका ताल्लुक इस्माइलिया कम्युनिटी से हो, सुन्नी कम्युनिटी से हो, कलाश कम्युनिटी से हो, जिस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, वो अगर अपने मजहबी तालीमात को देख लें, सुन लें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी कि वो खुदकुशी जैसे एक मुहलिक मरज में मुबतला हो जाए। इसके अलावा माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ, बच्चों के साथ, अपने मुआशरे में पूरी इंसानियत के साथ नरमी का बर्ताव करें। और वालदैन की तो खुसूसी जिम्मेदारियाँ होते हैं कि वालदैन अपने बच्चों को, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कुरान करीम में भी यही इरशाद है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अपने नफ्स को भी बचाओ और अपने बच्चों की भी मतलब आप हिफाजत करें। इसके अलावा असाज़े कराम की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ वही मामला करें जिससे उनकी इखलाकी तरबियत हो, मुआशरती तरबियत हो, उनके अंदर कदर इज़्ज़त एहतराम का मैदा पैदा हो, इन चीज़ों से उनको रोके रखें। एक ये कि उलमाए किराम के खुतबात और मवाइस, इसमें नौजवानों को और माँ बाप को और असदे कराम को, आम मुआशरे को, लोगों को, वो यानी एक दावत और तबलीग के हवाले से लोगों को समझाने की कोशिश करें। स्कूल और कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारों में माहाना बुनियादों पर आगाही मुहिम इस हवाले से होना चाहिए। इस्माइलिया कम्युनिटी में वाइजीन की खिदमात भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। खुलासा मेरे बातों का यह है कि कोई भी बंदा अपने मजहब के साथ दिलचस्पी रखे, आखिरत पर ईमान रखे, आखिरत का तसव्वुर रखे, इंशाल्लाह ये खुदकुशी वाला मामला करने से वो गुरेज करेगा। मैं एक बार फिर इस हवाले से आप मुहतरम और आपकी पूरी टीम, आपके मुंतजमीन खुसूसन निगहत अकबर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हवाले से वो काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करें और चित्राल के लिए निजात का सबब बने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान।